अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम ई ट्रांसफ़र के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आपने अपनी जो ई ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। आपने उसके सर्च बार में जाकर लिखना है SIS। ये SIS की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपने SIS पंजाब को क्लिक करके इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर ये जो है वो इशू नहीं करेगी किसी किस्म का भी इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपने ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यूज़र नेम में आके आपने अपना CNIC लिखना है और पासवर्ड में आके आपने अपना पासवर्ड लिखना है और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। क्योंकि आजकल हर टीचर जो है वो अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेशन थोड़ी सी हैवी हो सकती है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे, माय प्रोफाइल, ट्रांसफ़र, लीव और क्लासेस एंड सेक्शन। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई कर ली है पहले तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं की तो आपने माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन होगा, उसको आपने प्रेस कर देना है। तो हम चलते हैं ई ट्रांसफ़र की तरफ। आपने ई ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन के बाद यहां से आपने इंडिविजुअल या म्यूचुअल पे सिलेक्ट करना है। तो STR की जो कंडीशन है वो इस बार जो ट्रांसफ़र ओपन हुए हैं 14 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक, इसके अंदर भी वो STR की जो कंडीशन है वो ख़त्म नहीं की गई। जिन टीचर्स ने भी अप्लाई करना है अगर वो सरप्लस हैं फिर ही वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में रिमूव हो सकते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके लिखा हुआ आ गया, पर SED पॉलिसी यू कैन नॉट अप्लाई ड्यू टू नॉन सरप्लस टीचर इन स्कूल। तो हमारे स्कूल में कोई सरप्लस टीचर नहीं है तो फिर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये सरप्लस वाला इशू नहीं आता फिर आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर आप जब लिखेंगे ओपन मेरिट तो फिर आपके नीचे एक ड्रॉप बॉक्स होगा, सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन होगा आपने डिस्ट्रिक्ट से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होगा नीचे आपकी तहसील की होगी, तो आपने उस तहसील को अपने उस ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऐड प्रेफरेंसेस होंगी, वहाँ से आपने उसकी प्रेफरेंसेस देनी है कि आप किन किन स्कूल में जाना प्रेफर करेंगे। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपका ई ट्रांसफ़र जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस भी कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी इस एप्लीकेशन को लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इसकी बाकी के टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग काम होता रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए आपको उस क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।